मेरा नाम हार्दिक शशांगिया है। रॉयल टूल्स से बेसिकली राजकोट में है। राजकोट में डेबर रोड के ऊपर एग्जिट बस स्टैंड के सामने उसकी शॉप है। रॉयल टूल्स के ओनर है हसमुख भाई ठक्कर और उसके सन है चिंतन भाई ठक्कर। वो लास्ट सिंस 99 से राजकोट में उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और अभी उसने बहुत सारी प्रोडक्ट है उसके पास, लेकिन अभी जो उसके पास ब्रांड है हमारी हाइकोकी उसने स्टार्ट किया है, वो भी इतने मीन्स अच्छा काम करे वो लोग। और चिंतन भाई इतने एग्रेसिव है काम में भी कि हमारी मिस कंपनी का मिस जो भी प्रोडक्ट है उसका अच्छा प्रमोट भी करते हैं, प्लस उसको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत होती है और वो हमारे साथ मिस कंपनी के प्रमोशन के लिए हमेशा एग्री रहते हैं और हमेशा एग्रेसिव रहता है। और ब्रांड में जो हाइकोकी का जो भी प्रमोशन करना है उसके लिए कभी भी मना नहीं करते, कुछ भी एक्टिविटीज़ करनी रहती है वो भी हमेशा एग्री रहते हैं। डीलर अभी जो हमने रॉयल टूल्स से स्टार्ट किया है लास्ट 3 ईयर से हमारे साथ है, हमारी हाइकोकी कंपनी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको नहीं लगा लेकिन वो मार्केट में इतना मिस जो पहले जो जितना हमारा मार्केट में नाम था उससे ज़्यादा किया है, क्योंकि एग्जैक्ट वो हमें प्रमोशन में हमारी हेल्प करते हैं, प्लस कस्टमर आते हैं पावर टूल्स लेने के लिए, कोई भी ग्राइंडर लेते हैं, चॉप्सो लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो पहले हाइकोकी का प्रोडक्ट सबसे प्रायोरिटी में वो दिखाते हैं। अगर कस्टमर नहीं एग्री तो बाद में दूसरी ब्रांड में देते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वो कंपनी को ही देते हैं, हाइकोकी कंपनी को देते हैं। हमारी प्रोडक्ट बहुत सारी है लेकिन जो हमारी जो मार्केट में अभी फुल फेज में चल रही है, जो हमारे 4 इंच के ग्राइंडर हैं, बाद में 5 इंच के 7 इंच के ग्राइंडर है, प्लस चॉप्सो मशीन है हमारे, चॉप्सो में भी हमारे पास 2000 वोट के मशीन है, 2200 वोट की मशीन, अभी इकोनॉमी रेंज में भी हम लोगों ने मशीन निकाले हैं चॉप्सो मशीन। और अब ब्रेकर भी अच्छी हमारे पास प्रोडक्ट है। और अभी हम लोग क्या नया मीन्स बैटरी ऑपरेटेड टूल्स भी बहुत सारे मार्केट में लेके आ रहे हैं, एज ए मीन्स कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ हम लोग भी मार्केट में अच्छी रेंज में और इकोनॉमी रेंज में लेके आ रहे हैं हम लोग। अभी हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट में यूज़र में मेन हमारा बिजनेस है, यहाँ पे मशीन टूल्स है, यहाँ पे मशीनरी बहुत सारी कंपनियाँ बनाती है, CNC मशीन्स बनाती है, प्लस फैब्रिकेशन वो हमारे कस्टमर, प्लस वुड वर्किंग, प्लस कंस्ट्रक्शन साइट वो सभी हमारे कस्टमर है, जहाँ पे कंटिन्यूस हम लोग हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करते हैं, हम कस्टमर को कमिट करते हैं। और कुछ भी कंपनी में हमेशा मशीन में कुछ भी फॉल्ट आए तो 6 मंथ्स की वारंटी रहती है और हम ट्राई करते हैं कि कस्टमर का टाइम वेस्ट ना हो और ऑन द स्पॉट हम उसको सर्विस दे सके। इसलिए रॉयल टूल्स में हमेशा जो भी स्पेयर पार्ट रहते हैं हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जिससे क्या कस्टमर का हमें टाइम वेस्ट ना हो, ऑन द स्पॉट सर्विस मिले उसको। अभी क्लाइंट्स देखा जाए तो हम लोग ऑलरेडी मीन्स राजकोट के आजू बाजू के जो एरिया है इस छोटे छोटे गांव को भी हमने मीन्स कवर किया है इसके अंदर, तो अप्रोक्सी हमारे पास रहेगा 700-800 के आसपास क्लाइंट रहेगा मेरे ख्याल से। रॉयल टूल्स में हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, कुछ भी अगर मुझे कुछ भी रिक्वायरमेंट हो या फिर कुछ भी मुझे सपोर्ट चाहिए, सर्विस रिगार्डिंग चाहिए, सेल्स रिगार्डिंग चाहिए, तो उसके एग्जीक्यूटिव रहते हैं उसके जो। और यहाँ पे क्या एक फ्रेंडली नेचर है, मीन्स सपोज कभी भी हम लोग क्या ब्रांच मैनेजर रहते हैं या फिर RM रहते हैं उसको कभी भी हम लोग एनी टाइम फ़ोन कर सकते हैं हम, और हमको सॉल्यूशन मिलता है प्लस सपोर्ट भी मिलता है हम लोगों को। जब मैंने हाइकोकी स्टार्ट किया था 3 साल पहले, तभी जो कंपनी ने मुझे टारगेट दिया था उससे अच्छा ही ओवर अचीव मैंने ट्राई किया था। ओके, अभी जो 3 साल से कंटिन्यूस रॉयल टूल्स जो है चिंतन में कंटिन्यूस हायर में मीन्स हमेशा प्लस में मीन्स जो भी हमें कंपनी टारगेट देती है उससे ज़्यादा ही करते हैं। अभी हमारा टारगेट है कि भाई हमारे जो कंपनी का जो 2 साल में या 3 साल में एक जो अचीवमेंट होना चाहिए जो 1 CR या फिर उससे प्लस, जो मेरा प्लानिंग है और लास्ट 1 or 2 ईयर्स में मेरा प्लानिंग है वही है। अभी मेरे पास जो भी कस्टमर है तो मीन्स क्या छोटे छोटे मैंने कवर किया, लेकिन Engiexpo से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने Engiexpo में मैंने पार्टिसिपेट किया तो जो मेरा जो रॉयल टूल्स का जो एक विज़न है हमने मैं मेरा फुलफिल हो सकता है। प्लस जो मेरा प्लान है कि भाई कई कई जगह पे क्या है छोटे छोटे गांव रहते हैं या फिर कोई ऐसी जगह पे है जो हमारी कंपनी नहीं पहुंच पाती, तो मेरा भी Engiexpo में पार्टिसिपेट करने का प्लान वही है कि छोटे छोटे गांव से या फिर शहर से जो छोटा शहर है वहाँ से भी क्या वो लोग विजिट के लिए आएंगे हमारे स्टॉल को, मैं स्टॉल में विजिट करेंगे तो क्या उसको भी एक रॉयल टूल्स के बारे में मालूम पड़ेगा, प्लस मेरा जो कस्टमर बेस भी वो भी मेरा बढ़ेगा। और मैं सपोर्ट भी 100% करूँगा रॉयल टूल्स वाले चिंतन में करेंगे 100% अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए प्लस कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए।